हेलो स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर का जो चैनल है उसमें मैं आपको आज कल जो पढ़ाया था उसी के आगे कैरी ऑन करते हुए आज मैं आपको कूलाम के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन समझाता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं। चार्ज क्यू को किस अनुपात में विभाजित करें कि विभाजित आवेशों को आर दूरी पर रखने पर लगने वाला वैद्युत बल मैक्सिमम होगा। ये हमारे लिए क्यू चार्ज को ही दो भागों में डिवाइड करके रखना है, क्योंकि हम जानते हैं जो वैद्युत बल है वो दो आवेशों के बीच लगता है, लेकिन ये तो एक ही आवेश है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए क्या किया मैंने। इसको मान लिया, एक इसमें से एक्स पार्ट ले लिया एक, और दूसरा पार्ट बचा क्यू माइनस एक्स। भाई अगर मैं इसका एक पार्ट एक्स ले लूं तो दूसरा कितना बचेगा, क्यू माइनस एक्स बचेगा, और इनके बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है आर। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मुझे कैसा चाहिए, वो चाहिए मुझे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो मैं सबसे पहले फार्मूला लगाता हूँ। एफ बराबर फार्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। F ऐसे ही रहने दिया, K ऐसे ही रहने दिया, Q1 की जगह मैं X रखूंगा, Q2 की जगह रखूंगा Q माइनस एक्स, और अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वायर। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो गया K QX, और अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा KX स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया, मैंने अलग अलग लिख दिया, तो लिख दिया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, क्योंकि मैक्सिमम बल निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम फोर्स हम निकाल पाएंगे इन दोनों डिवाइडेशन के जरिए। तो हमने सबसे पहले लिखा, अब इसमें वेरिएबल कौन है, के वेरिएबल नहीं है, के कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि क्यू गिवन है, अच्छा आर भी कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी हुई, वेरिएबल क्वांटिटी हुई x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे df ओवर dx, तो ये हो जाएगा x का बन हो जाएगा, तो आएगा kq अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा जो पावर है वो पहले आएगी, तो 2kx अपॉन आर स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसे, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो लिखेंगे डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो जीरो हो गई, माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 1, x की 1, तो ये हो गया डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2k आर स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो फर्स्ट डेरिवेट है उसके बराबर हमें जीरो रखना होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि f की मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना ही चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको जीरो रखेंगे, तो डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर बराबर जीरो। आर कॉम एलसीएम ले लेंगे तो के क्यू माइनस टू के एक्स, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, तो के क्यू टू के एक्स बराबर जीरो, इसमें से के कॉमन है तो बचेगा क्यू माइनस टू एक्स, तो ये भी इसमें हम डाल देंगे क्यू, यानी कि ये नीचे जाएगा जीरो के, तो जीरो हो जाएगा, तो q माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो q बराबर टू एक्स, तो
एक्स बराबर क्यू बाई टू। अब ये जो एक्स की वैल्यू है वो हमें यहां रखनी है, तो एक्स की वैल्यू हम दूसरे डिफरेंशिएशन में रखेंगे तो दूसरे में रख नहीं सकते, क्योंकि जब रखेंगे वैल्यू तो इसमें एक्स नहीं है, क्योंकि ये तो वैल्यू एक्स की है। तो इसका मतलब अगर हम वैल्यू रख भी देते, अगर मान लीजिए चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स की, यहाँ पर एक्स की पावर जीरो मान सकते हैं, चलिए यहाँ एक्स नहीं है लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि यहाँ एक्स है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक्स वन तो लिख सकता, एक्स की पावर वन तो लिख नहीं सकता, तो मुझे एक्स की पावर यहाँ क्या लिखना होगी, जीरो। तो मैंने लिखा डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू के बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स की पावर जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ इसलिए माना है मैंने, वैसे तो एक्स है ही नहीं। अब एक्स की पावर जीरो है तो ये वाली वैल्यू रखते हैं क्यू बाई टू जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो मान सकते हैं क्योंकि इसका मान वन होता है। अब ये वन हो गया तो ये निगेटिव चीज आई, ये वैल्यू आई निगेटिव, यानी दूसरा डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब ये किसको शो करता है, मैक्सिमम को। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्ट्स को हमें, ये जो क्यू है उसको हाफ हाफ करना है, इसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आया कि डिस्टेंस आर पर ये क्यू बाई टू होना चाहिए और ये भी क्यू बाई टू होना चाहिए, तब जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी। कितनी फोर्स होगी मैक्सिमम फोर्स, तो एफ मैक्सिमम बराबर के क्यू वन, क्यू वन की वैल्यू के क्यू बाई टू, दूसरे वाले की भी क्यू बाई टू और आर स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। ये एफ की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है और कायम में आएगी न्यूटन में। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कूलाम का नियम सदिश रूप में, क्योंकि हमने कूलाम का नियम आपको समझाया तो है, क्योंकि सिंपल तरीके से भी आपके कोर्स में है और वेक्टर फॉर्म भी आपके कोर्स में है, तो साधारण तरीके से आपने कर लिया है, अब आप वेक्टर फॉर्म में सीखिए। वेक्टर फॉर्म में कैसे सीखेंगे देखिए ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए सबसे पहले हमने दो एक्सेस बना लिए, एक बाई एक्सेस और एक एक्सेस, ये बाई एक्सेस एक्सेस हो गई माने बाई अक्ष और ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई बाई अक्ष। दूरियों को मेजर आप यहां से करते हैं, सबको पता होगा ये मूल बिंदु होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं, यहां के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं जीरो कॉमा जीरो। हमने मान लिया कि एक चार्ज हमारा यहां रखा है और एक चार्ज ये रखा है, ये दो चार्ज रखे, इसका नाम है Q1 और इसका नाम है Q2। इन दोनों चार्जेस की इस ओरिजिन से दूरी है, पहले वाले चार्जेस की दूरी है R1, जो कि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हम वेक्टर रूप बता रहे हैं, और दूसरे वाले की दूरी है R2। आप देखिए ये दूरी ओरिजिन से नाप ली हमने, ओरिजिन से गिवन है, ये ओरिजिन पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस R2 और इस ओरिजिन पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस R1। आप देखें जब ये वाला चार्ज, ये चूंकि पॉजिटिव माने हैं हमने दोनों चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस लगा दिया हमने, चाहे लगाए चाहे ना लगाए प्लस ही कंसीडर करते हैं। आप देखिए यहां से ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो किस पे फोर्स लग रही है, टू पे फोर्स लग रही है, किस चार्ज की वजह से लग रही है, क्यू वन की वजह से, तो इस फोर्स को हम डिनोट करेंगे एफ टू वन से, माने टू पे फोर्स लग रही है वन की वजह से लग रही है। इसी प्रकार इस वाले चार्ज पे फोर्स लग रही है, वन वाले चार्ज पे फोर्स लग रही है टू की वजह से, तो इसको हम डिनोट करेंगे एफ वन टू से, चूंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे भी हम वेक्टर का साइन लगाएंगे। आप देखिए जब ये वाली फोर्स हम मेजर करेंगे, जब इस वाली फोर्स को हम निकालेंगे, तो किस तरह से हम दूरी को नापेंगे, दूरी को नापेंगे बाद वाला माइनस पहले वाला,
यानी बाद वाली डिस्टेंस, बाद वाला आएगा पहले और फिर माइनस पहले वाला, तो यानी कि बाद वाला कौन है यहाँ, इसके लिए बाद वाला, इसके लिए बाद वाली डिस्टेंस कौन सी है, आर वन है, इसके लिए बाद वाली डिस्टेंस आर वन है, तो ये हो जाएगी आर वन माइनस आर टू। और जब इस चार्ज के लिए निकालेंगे, इस फोर्स के लिए निकालेंगे, तो आ जाएगा इसी प्रकार बाद वाला ये बन जाएगा, इस वाले की वजह से इधर फोर्स लग रही है, तब बाद वाला ये बन जाएगा आर टू माइनस आर वन, तो ये डिस्टेंस दो हो जाएंगे आर टू माइनस आर वन। और ये बराबर किसके होंगी, अब डिस्टेंस तो एक ही है भाई, चाहे आप ऐसे निकालो आर टू माइनस आर वन से, चाहे आर वन माइनस आर टू से निकालो, इस डिस्टेंस की ये जो यहां से इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगी, तो उसे हमने मान लिया आर, उसे हमने आर के बराबर मान लिया। अब चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किस फॉर्म में होती है, डिस्टेंस हमेशा मॉड के फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, मॉड के फॉर्म में होती है, ये भी आर के ही बराबर होगी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। अब देखिए हम फोर्स निकालना है पहले वाला, पहले वाला फोर्स निकालना है एफ वन टू, तो एफ वन टू कैसे निकालेंगे, के फार्मूले में आता है क्यू वन क्यू टू बटे बटे डिस्टेंस आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना है, आर हमारे पास ये है, ये वाला लेंगे पहले वाला आर वन माइनस आर टू के मॉड का स्क्वायर। अब यहां पर आता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दिशा बताने के लिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से भाग कर दिया जाए, तो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को इसी के मॉड से भाग कर दें, तो ये आपका सदिश रूप हो गया। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, एक लाइन इसमें और बढ़ा सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये पावर यहां वन है और यहां टू पावर है, तो मल्टीप्लाई करके थ्री लिख सकते हैं, तो एफ वन टू, एफ वन टू बराबर हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू की पावर यहां क्यूब हो जाएगी, और यहां पर हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। इसी प्रकार एफ टू वन निकालेंगे तो आ जाएगा के, ये ऊपर के वही रहेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस लेंगे और ये भी बदल जाएंगे, तो यहां हो जाएगा आर टू माइनस आर वन। अब चूंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, वैल्यू जितनी ये देगा उतनी ही वैल्यू ये देगा, अगर इससे 10 न्यूटन आंसर आ रहा है तो इससे भी 10 न्यूटन आंसर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, बराबर है, तो ये कूलाम के नियम की फॉर्म, कूलाम की जो वेक्टर फॉर्म है कूलाम के लॉ की, वो ये फॉर्म है, ये आपका प्रूव हो गया। वेक्टर का साइन लगा दिया ये हमने, मॉड का साइन लगा दिया मॉड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब चूंकि डायरेक्शन के हिसाब से देखे जाए तो अलग अलग है, डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये फोर्स और ये फोर्स अलग है, दोनों फोर्स और डायरेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर दिखाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ये साइन लगाएंगे मैग्नीट्यूड का, तो ये कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अभी हमने कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म बताई थी, उसके बाद नया टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी, यदि किसी स्थान पर, यदि किसी स्थिर आवेश पर बल लगता है तो कहा जाता है कि उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अब फील्ड शुरू हो गया नाम के अनुसार,
चैप्टर का नाम भी है फील्ड, तो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक इसका भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमने देखिए फोर्स निकाला था एफ, जब हमने बल निकाला था तो बल ये आया था हमारा फार्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि जब कोई चार्ज, मान लीजिए जैसे मान लें एक चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है प्लस, और इसका नाम मैंने दे दिया क्यू वन या क्यू नाम दे दिया। इस ये जो क्यू चार्ज है ये अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा ये। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक अदर चार्ज आ गया, ये वाला चार्ज आ गया, ये प्लस एक और चार्ज आ गया, इसका नाम मैंने दे दिया क्यू नॉट, ये चार्ज आ गया, तो ये चार्ज अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, या आप Q1 Q2 नाम दे दो, चलो Q1 Q2 नाम दे दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के, इस वाले फार्मूले के Q1 Q2 दे दिया हमने नाम। तो Q2 अपने ऊपर कितना फोर्स फील करेगा भाई, इसकी वजह से इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा अपना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ जाता हुआ होता है, चार्ज से दूर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, अवे फ्रॉम चार्ज। इसी प्रकार से इसका भी अवे फ्रॉम चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चार्ज से दूर है, और ये भी सदिश राशि है, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से ये अपने ऊपर फोर्स फील कर रहा होगा, इसकी वजह से ये फोर्स फील कर रहा होगा, और इसकी वजह से ये वाला फोर्स फील कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे की वजह से अपने ऊपर एक बल को महसूस कर रहे होंगे। तो इसीलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार क्यों आता है, क्योंकि जिस जो फील करता है उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसीलिए इसमें सिंगल टाइम क्यों आएगा। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन बटे कूलाम, क्योंकि इसको हमने क्यू से डिवाइड कर दिया होगा ना, एक क्यू से दूसरे क्यू चार्ज से डिवाइड कर दिया, तभी तो एक क्यू कैंसिल हो गया, तो इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन बटे कूलाम। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बल के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बाद ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो Q1 आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो Q2 आ जाएगा, माने जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसमें उसी का नाम आएगा। जैसे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो आएगा E बराबर K Q1 अपॉन R स्क्वायर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो आएगा E K Q2 बटे R स्क्वायर। अब अगर देखो R जितनी डिस्टेंस में निकालना, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इस चीज को समझना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा जो टॉपिक है वो डाइपोल। डाइपोल है, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और इसका पूरा नाम, जैसे डायपोल कहते हैं इसको शॉर्ट में डायपोल बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा नाम इलेक्ट्रिक डायपोल है। और जनरली बोलेंगे तो बार बार हम जब भी यूज करेंगे तो डायपोल बोल देंगे, तो इसमें कोई आप गलत ना समझे, इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा नाम है लेकिन डायपोल के नाम से इसको बुलाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज नेगेटिव होता है और एक चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। अगर कहने का मतलब ये 10 कूलाम का है तो ये भी 10 कूलाम का ही होगा,
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये बीच की सेपरेशन डिस्टेंस, ये बहुत कम होती है। इसको हम मान लेते हैं ये L और ये भी L, और ये मिड पॉइंट A, और इसको कहते हैं A, ये 0 पॉइंट हो गया, इसे B कह देते हैं, और ये टोटल डिस्टेंस को हम मानते हैं 2L। 2L मानने के पीछे रीजन ये है, 2L मानने के पीछे जो रीजन है वो बच्चों ये रीजन है कि उसका हाफ आसानी से किया जा सकता है। भाई देखो 2L मानने से क्या फ़ायदा हुआ, जब 2L मानेंगे तो हाफ ये L हो गया और इधर का भी L हो गया। अगर मैं 4L मानता तो ये 2L हो जाता, ये 2L हो जाता। अगर मैं L मानता, अगर मैं टोटल लेंथ को L मानता तो ये L बाई 2 हो जाती। तो L बाई 2 क्या होती, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करती। कैलकुलेशन में बार बार L बाई 2 आता, फिर से L बाई 2 आता, तो L बाई 2 कहीं ना कहीं हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत करता। इसीलिए हमने क्या करा, ऐसी डिस्टेंस मानी है जिसका हाफ करना आसान हो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ करना आसान हो, इसीलिए हम इसको मानते हैं ऐसा। केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डाइपोल के, वाटर मॉलिक्यूल डाइपोलिक होता है, HCl डाइपोलिक होता है, HBr डाइपोलिक होता है, तो ये डाइपोल के एग्जाम्पल हैं केमिस्ट्री में। अब फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ, तो डाइपोल क्या होता है, जिसके दो चार्जेस हों, फिर से सुन लीजिए, जिसमें दो चार्जेस हों और दोनों अलग अलग साइन के चार्ज हों, अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, दोनों अलग अलग साइन के चार्ज होने चाहिए और क्वांटिटी में बराबर होने चाहिए, कहने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद इसका आघूर्ण होता है, इसका आघूर्ण जरूर निकालते हैं, इसका आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आघूर्ण को पी से शो करते हैं, और ये बराबर किसके होता है, Q2L के। कोई एक चार्ज ले लेते हैं, चाहे तो ये वाला चार्ज ले लो, चाहे तो ये वाला चार्ज ले लो, इन दोनों में से कोई एक चार्ज आप ले लो, माने दोनों चार्ज नहीं लेने हैं, कोई सा ये वाला चार्ज ले लो चाहे ये वाला चार्ज ले लो। अब साइन तो आएगा नहीं, तो जब साइन नहीं आएगा तो जाहिर है ना माइनस लगाएंगे ना प्लस लगाएंगे, और टोटल डिस्टेंस लेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट कहलाता है, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं, और इसका जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोलिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से मैं एरो लगा दे रहा हूँ प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होता है, ऐसे पी से नो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि डाइपोल के कारण, भाई एक चार्ज जो सिंगल चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, सिंगल चार्ज तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन डाइपोल तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। डाइपोल कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक, डाइपोल में, डाइपोल का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों चार्ज एक साथ हैं, भाई ये वाला चार्ज भी और ये वाला चार्ज भी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो इन दोनों फार्मूले का यूज़ इसमें नहीं कर सकते, ये दोनों फार्मूले कहाँ यूज़ करे जाएंगे, सिंगल चार्ज के लिए यूज़ करे जाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव अगर होता तो ये अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, अगर ये माइनस होता तो इनवर्ड होता, माइनस अगर चार्ज होता तो यही, अगर मैं कहूँ माइनस चार्ज है, ये माइनस का क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा बस, और कोई फर्क नहीं है। देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरो थे वो इसमें बाहर जा रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बस यही डिफरेंस है प्लस और माइनस का, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, ये डाइपोल है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं, दो तरीके से निकालेंगे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अक्षीय स्थिति में और दोबारा में निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डाइपोल के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखते हैं हम डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित
स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक हो गया। डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए, डाइपोल के कारण r दूरी पर निकालना है तो ये हो गया डाइपोल, ये हमने डाइपोल बना दिया, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये मिड पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B और यहां से दूरी ये हमने, ये पॉइंट कोई मान लिया, स्थित बिंदु पर है ना, तो कोई बिंदु मान लिया C, C बिंदु मान लिया, यहां लिख दे रहे हैं C, यहां लिखेंगे C, और इसकी जो दूरी है, जो C पॉइंट की जो डिस्टेंस है, वो इससे भी नहीं नापते हैं ना, यहां से नापते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट से नापते हैं। तो मिड पॉइंट से कितनी दूर है ये, आर दूरी पर है। आप जाहिर है ये वाला एल होता है, ये भी एल होता है, क्योंकि पूरी लेंथ तो 2L होती है और इसके पी का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। देखो मैं सब चीजें पहले ही बता चुका हूं, इसके पी का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। अब यहां से मिड पॉइंट से ये आर दूरी पर है तो यहां से कितनी दूर होगा, यहां से कितनी दूर होगा, तो यानी कि ये वाला एल कम कर दो तो ये होगा आर माइनस एल, और यहां से कितनी दूर होगा, इस जगह से, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से कितनी दूर होगा सी, भाई बी पॉइंट से सी की डिस्टेंस तो ये आई, और ए पॉइंट से सी की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो जाहिर है एल इस आर में बढ़ जाएगा क्योंकि ये आर है, तो मुझे यहां से नापना है तो एल उसी में मैं प्लस कर दूं, क्योंकि जब ये आर थी और ये एल था तो मुझे यहां से नापना था तो मैंने एल माइनस करा, अब एल प्लस हो जाएगा तो आर प्लस एल, ये डिस्टेंस हमने सबसे पहले डिनोट कर ली, ये डिस्टेंस को हमने यहां दर्शा लिया। अब हम लिखेंगे, अब देखो यहां समझने की चीज है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब यहां पर क्या माने, यहां पर ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज मानते हैं, यहां लिखते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट मान लेते हैं, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव होता है बच्चों, टेस्ट चार्ज जब भी मानेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन ये टेस्ट चार्ज की एक खासियत है, ये बहुत वीक होता है, वीक टेस्ट चार्ज होता है, माने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका भी होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वीक होता है, इतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको अफेक्ट ना कर पाए, माने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रभावित नहीं करेगा, ना ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इसे प्रभावित करेगा, लेकिन इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको इफेक्ट करेगा, तो जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इफेक्ट करेगा तो ये चूंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा, वो इधर पुश करेगा, यानी कि ये इसको फेंकेगा दूर, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर को जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ गया, अवे फ्रॉम द चार्ज E1। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को भाग गया, क्यों भागा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर को होगा, तो ये इसको खींचना चाहेगा, अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो खींचना चाहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दोनों डायरेक्शन है वो अलग अलग हैं। अब देखो ये वाला चूंकि इस पॉइंट के सी के पास है, माने जो सी पॉइंट है वो किसके पास है, प्लस क्यू के पास है, तो जाहिर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है भी होगा E1, और चूंकि सी पॉइंट ए पॉइंट से दूर है तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, यानी कि ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जिस क्यू नॉट है वो इसकी वजह से तो वीक कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इसकी वजह से स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यानी कि E1 ग्रेटर देन होगा, E1 जो है वो ज्यादा होगा E2 से, तो मैं यहां एक बात कह सकता हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इनको
इनको ऐसे ही नहीं जोड़ा जा सकता ना घटाया जा सकता। भाई आप इनको डायरेक्शन देख के घटाओगे ना, तो इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन उधर को है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अब उनमें कौन ज़्यादा है, तो ई वन ज़्यादा है, तो ई वन में से ई टू घटेगा, तभी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक, नेट माने कुल, इसका मतलब नेट कोई कठिन वर्ड नहीं है, इसका मतलब टोटल कितना वो प्रभाव महसूस कर रहा है। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो ई बराबर ई वन, अब भाई बड़ा कौन है इनमें, ई वन बड़ा है क्योंकि ई वन इसके पास, ये जो सी पॉइंट है इसके पास है ना, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है सी, तो ई वन माइनस ई टू, ई वन माइनस ई टू आ गया। अब ई वन कितना है, ई वन है के भाई वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कहाँ से लोगे, फार्मूला तो यही लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के में एक क्यू आता है, एक बार क्यू आता है, के संग में एक बार क्यू आता है, तो एक ही बार तो क्यू आएगा, तो के क्यू, अब आप निकाल क्या रहे हो, ई वन का निकाल रहे हो, तो ई वन का क्या आएगा के, ई वन किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो आएगा के क्यू बटे, अब इसकी वजह से है ना ई वन, तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली डिस्टेंस तो ले नहीं सकते ना, ये वाली डिस्टेंस ले सकते, यहाँ से सी पॉइंट की दूरी देखेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो लेंगे आर माइनस एल, और नीचे क्या होता है, स्क्वायर होता है, देखो नीचे स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, माइनस ई टू, ई टू किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये डिस्टेंस टोटल वाली, ये वाली लेंगे, ये नहीं लेंगे, अब ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो आएगा के क्यू बटे आर माइनस एल की जगह अब आएगा आर प्लस एल, और दूरी का हमेशा जो दूरी है उसका हमेशा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होगा दोनों जगह। अब आप देख सकते हो के क्यू यहां भी है और के क्यू यहां भी है, तो आप कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा वन अपॉन आर माइनस एल, यहां बचेगा वन अपॉन आर माइनस एल, ये बच गया हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहां सॉल्व करते हैं हम, यहां सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, उधर ले चलते हैं इसको। तो हमने लिखा E बराबर के क्यू, बचा है जो हमारे पास, अभी लिख लें इसको एक बार, आर वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, E बराबर के क्यू ऐसे ही रहा, एलसीएम में दोनों आएंगे, R माइनस एल आएगा और R माइनस आर प्लस एल भी आएगा, तो हम इनको कैसे लिख दें, ये तो स्क्वायर लगा के लिख दो या फिर दो बार और लिख दो, लेकिन चलो हम स्क्वायर लगा के लिख देते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसमें होगी, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ये बंद कर दे रहे हैं। E बराबर फिर चल रहा है हमारा के क्यू, इसे खोल देंगे फार्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं बता दे रहा हूँ, सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फार्मूले से खोल देंगे, ऐसे ही माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर। अब देखो इसमें एक माइनस ब्रैकेट है और एक प्लस ब्रैकेट है, तो माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर से करेंगे तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया ई बराबर के क्यू, अब देखो ये माइनस है वो, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी कैंसिल होगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया फोर एल आर, फोर एल आर, और ये होगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आर, ये तो मेरे पे डिपेंड करती है, मैं कितनी दूर ले रहा हूँ,
ये डिस्टेंस तो मैं ज़्यादा दूर भी ले सकता हूँ और कम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये डायपोल की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम है, डायपोल की डिस्टेंस बहुत कम होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे HCl, तो HCl का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो डायपोल में हम ये डिस्टेंस बहुत कम कंसीडर करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो R है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि R इज ग्रेटर देन किससे, एल स्क्वायर से, स्क्वायर होने की वजह से ये और छोटा हो गया, क्योंकि किसी भी छोटी चीज़ का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। अब एल पहले ही छोटा था आर के कंपैरिजन में, तो स्क्वायर करने से वो और छोटा हो गया होगा। देखिए आप, देखो जैसे हम कहें आपसे, हम कहें 1/2 का स्क्वायर करो, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, यानी इसका स्क्वायर ये पहले ही छोटा था और इसका स्क्वायर और छोटा आया, तो इसका मतलब एल स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे, इसीलिए तो ये बच जाएगा हमारे पास E बराबर हो जाएगा KQ4Lr, और ये हो जाएगा, ये तो छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, उपेक्षणीय कर देंगे, तो ये हो जाएगा R की पावर 4, क्योंकि 2 यहाँ है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो R की पावर 4 हो गई, ये कैंसिल हो गई ये R, तो E बराबर हमारे पास आ गया KQ4Lr³, ये आ गया। अब हम इसमें एक और भी थोड़ा सा काम इसमें कर सकते हैं कि ये जो 4 है इसको दो भाग में डिवाइड करके से लिख सकते हैं 2 × 2। तो अब की बार में हमने क्या किया, 2 इसमें से 2 लेके यहाँ लिख दिया 2K, और ये जो 2 इसमें और बचे हैं वो हमने लिख दिया 2QL अलग ऐसे करके, और ये R³ चल रहा है। अब ये तो P होता है, क्योंकि देखो हमने पहले ही बताया था कि Q 2L से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, Q 2L से मल्टीप्लाई हो जाए तो P बन जाता है, तो ये Q जो है वो 2L से मल्टीप्लाई होकर P बन गया, तो ये फार्मूले का जो आंसर है निकल के आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ गया 2KP, 2KP, ये P बन गया 2KP/R³। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है डाइपोल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया था, उसी पे हम एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं कि अगर वो जो हमने फार्मूला प्रूव किया, क्या हम उसका न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे और किस टाइप से उसका यूज़ करेंगे, वो एक तरीका आपको आना चाहिए। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है और इस न्यूमेरिकल को मैं आपको उसी फार्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ लिखा सॉल्व, सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी मैंने फार्मूला प्रूव किया था ई। अब चलिए पहले डाइपोल बना लेते हैं, डाइपोल दिया कैसे है, देखो सब एक डाइपोल जिसके सिरों के आवेश -3 कूलाम से +3 कूलाम है, 0.3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 0.3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। इस डायपोल के कारण, इस डायपोल के सेंटर पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये -3 हो गया और ये +3 हो गया, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.3 सेंटीमीटर है, और इसके सेंटर पॉइंट से कितनी दूर जाना है हमें, 2 मीटर दूर जाना है, देखो यहाँ लिखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर दूर बहुत होगा, काफी होगा, तो मैं ये दूरी को यहाँ C पॉइंट मान के इस दूरी को 2 मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 मीटर दूरी हो गई। अब इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले P निकालेंगे, P निकाला हमने, P बराबर क्या होता है Q × 2L, Q कोई सा एक चार्ज ले लो, तो हमने ये वाला चार्ज ले लिया 3, 2L यानी टोटल डिस्टेंस 0.3 है, 0.3 है, 0.3 ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस 2L के बराबर होती है, 2 से गुणा नहीं करेंगे, कुछ बच्चे जैसे आप सोच रहे हैं मैं 0.3 रख दूंगा या फिर 2 से गुणा करूंगा, नहीं, ये 2L पूरा होता है, तो 0.3 लिखेंगे, और चूंकि सेंटीमीटर है तो अपॉन में इसके 100 मानेंगे। अब ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 3 0 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 के नीचे टोटल 0 हो जाएंगे 3, तो यानी कि हम पॉइंट अब पॉइंट इसको कैसे लिख दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और इसका यूनिट लिख देंगे कूलाम/मीटर, क्योंकि ये कूलाम में नपेगा और ये मीटर में नपेगा, तो कूलाम/मीटर हो गया। अभी हमने फार्मूला क्या प्रूव किया था, ये आर हो गई हमारी, ये आर का काम करेगी, यहीं से तो आर नापते हैं, सेंटर पॉइंट से ही तो आर नापते हैं, तो आर बराबर कितनी हो गई 2 मीटर हो गई।
अब मैंने अभी फार्मूला प्रूव किया था कि ई मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण प्रूव किया था वो किया था 2kP अपॉन आर क्यूब। तो इस फार्मूले का इसमें यूज आएगा। अब देखिए कैसे 2 ऐसे ही रहा, k का मान हमें मालूम है 9 × 10^9 होता है, पी की वैल्यू हमने निकाल ली है 9 × 10^-9। -3 लिख देंगे। और जो R है वो 2 मीटर है, ये 2 मीटर, तो 2 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 2 के ऊपर कितना लगाएंगे 3 लगाएंगे। तो 2 के ऊपर 3 लगाने का मतलब 2 × 4 × 8 9, 9 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 ने 81 यानी कि 2 × 81 हो जाएगा। 10^9 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 6 बचेगी, 9 में से 3 गए तो 6 बचे। यहाँ 2 × 4 × 8 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 4 जाए ऐसे काट देंगे 2 × 4, तो ये हो जाएगा 81/4 × 10^6। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट क्या होगा, N/C। तो यानी कि ई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई, उसकी वैल्यू ये है, क्या है, 81/4 × 10^6 N/C। तो देखा आपने किस तरह से हमने फार्मूला जो प्रूव किया उसका यूज़ कैसे करना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में इसका यूज आ सकता है, कोई भी अगर न्यूमेरिकल ऐसा आए, या इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो आप इस फार्मूले से सबको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।